हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी नाश्ता बनाने, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो इसके लिए मैंने 2 केले लिए हैं और 1 कटोरी के लगभग मैंने आटे लिए हैं, जो आप देख सकते हैं। मैंने 4 से 5 चम्मच के लगभग रवा लिया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी लिए हैं, कुछ शक्कर का एक मैंने बॉल लिया है बड़ा सा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे सामग्री मैं रखी हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने केले को एक एक करके मैं छीलूँगी और इसे छील करके आप अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं केले को मैंने छील लिए हैं और यहाँ पे मैंने शक्कर को भी आप ग्राइंडर की सहायता से ग्रेट कर लें या ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। इसे अच्छे से हाथ से भी यह बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। इसी तरह से आप भी मिक्स कर लें और यहाँ पे अब केले को अच्छे से मैश करें, एक एक करके मैश करें। इसके इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप धीरे धीरे से इसे मिक्स करें, जिससे ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और गुठलियाँ भी नहीं रहेगी। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार ज़रूर इसे बनाइए। आप देख सकते हैं कि मैंने केले को अच्छे से मैश कर लिया है। अब आप इसे बड़े से बाउल लें, इलायची को भी आप इसी तरह से कूट लें। बड़े से बाउल में 1 कटोरी आटा डालें, उसमें थोड़ा सा आप रवा जो मैंने लिया है वो डालिए और इसमें आप शक्कर ऐड करें। शक्कर को अच्छे से आप इसमें डाल लें, मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे शक्कर को डाल लिए हैं। आप भी इसी तरह से डालें इसमें और सबको, इसमें इलायची के जो दाने हैं उसे भी आप छिलका हटा करके उसे डाल दें। सिर्फ दाने ही डालें, छिलका ना डालें, जो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए छिलका हटा लें। और इसे आप चाय की में भी यूज कर सकते हैं, इसे इस छिलके की भी टेस्ट अच्छी आती है। आप इसमें केले भी ऐड कर लें। सबको हाथों से अच्छे से मिक्स करें, पहले मिक्स करें और उसके बाद में आप इसमें अच्छे से, जब मिक्स हो जाए सारे इन्ग्रीडियंट्स, तो आप इस थोड़े थोड़े करके पानी ऐड करें। 1 गिलास के लगभग मैंने पानी लिए थे, उसे आप थोड़ा थोड़ा, एक बार में ही पूरा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप डालें पानी। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उसी तरह से डालते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। पूरी अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। आप देख सकते हैं मैंने पूरे अच्छे से इसे मिक्स किया। इसी तरह से आप भी मिक्स करें और देख सकते हैं कि इसे आप डायरेक्ट पानी थोड़े थोड़े, जिस तरह से मैंने डाला, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे ढक करके रेस्ट के लिए रखते, रेस्ट के लिए आप रखते, उसके बाद में आप इसे फिर अच्छे से पूरे सामग्रियों को मिलाएं और देखिए कि इसकी कितनी ये पतली तो नहीं है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो इसमें आप थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के लगभग पानी और ऐड कर सकते हैं। पूरा पानी मुझे इसमें लगा है, 1/2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, जिससे इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी और टेस्ट मिल जाएगी अच्छे से। तो ये अब बिल्कुल तैयार है तलने के लिए, अब फ्राई करने के लिए। आप तेल भी देख सकते हैं, तेल रिफाइन या घी में आप इसे फ्राई करें। इसे छोटे छोटे आप हाथों से, पहले आप थोड़े से डाल करके तेल में इसे आप पहले चेक करें कि ये अच्छे से तेल गर्म हुआ है कि नहीं। जिस तरह से मैंने भी इसमें डाल करके मैं देखने जा रही हूँ कि ये तेल गर्म अच्छे हैं कि नहीं। आप भी इसी तरह से पहले चेक कर लें, पहली बार में ही ना डालें, नहीं तो पता चला कि ये अच्छे से तल भी ना पाए, अंदर से कच्चे रह जाए। फ्लेम को आप धीमा रखिए। आप देख सकते हैं कि तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, तलने के लिए तैयार है। अब आप इसमें थोड़े थोड़े डाल के हाथों की सहायता से, आप स्पून की सहायता से भी ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर लें और इसे मिक्स करें अच्छे से। इसे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लें और किशमिश को काट लें, जिससे अच्छे से मिक्स भी हो जाए। और आप इसे अब बॉल बना करके आप थोड़े थोड़े करके पूरे डाल दें, एक बार में अधिक ना डालें, 4-5 बॉल डाल दें और इसे तले धीमी फ्लेम पे। इस समय फ्लेम को तेज ना करें, एक बार इसे अच्छे से डाल करके थोड़ी सी एक सीख जाए एक तरफ से, तब जा करके आप इसे पलटें। देख सकते हैं आप गोल्डन कलर का यह पूरी तरह से हो चुका है। इस समय आप हल्का सा फ्लेम को तेज करें और इसे कलर आने तक इसे चलाते हुए तले। देख सकते हैं आप कितने अच्छे ये फूल चुके हैं, पूरे बनाना बॉल के तरह बन गए हैं। आप गेस और कमेंट में भी आप इसे लिख कर बता सकते हैं कि मैं इसका क्या नाम दूं। और आप देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। जितना ये देखने में आपको अच्छा लग रहा है,
इस उतना ही ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी और यम्मी होता है। देखिए कितने अच्छे ये गेंद की तरह फूल गए हुए हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाना चाहते हैं। आप इसे बड़े बच्चों के लंच में भी इसे आप दे सकते हैं, कोई मेहमान आए तो उसे भी आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी तेल पूरी रिफाइन या घी निकाल लें, घी में तलेंगे तो और भी ये बेस्ट और यम्मी लगेगा खाने में। देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर के ये कितने यम्मी और टेस्टी देखने में लग रहे हैं। इसके स्वाद तो इतने टेस्टी हैं कि आप बिना बनाए हुए इसे रुक नहीं सकते। आप लोग भी इसे बनाइए और कैसा बना मुझसे शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।